नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं पूर्ण शर्मा और वक्त है जनतंत्र नॉनस्टॉप की खबरों का। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में शुरू हुई नीति आयोग की बैठक, बैठक में पहुंचे कई राज्यों के सीएम और मंत्री। बैठक में सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र के संकट, वर्षा जल के संरक्षण और खरीफ फसल के लिए तैयारियों के मुद्दे पर चर्चा होगी। नक्सल प्रभावित जिलों पर विचार विमर्श भी होगा। तो नरेंद्र मोदी सरकार में ये गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नहीं थमा हिंसा का दौर। मुर्शिदाबाद के डोमकल में गोलीबारी में 3 टीएमसी कार्यकर्ता की मौत। मृतकों के परिजनों ने हमले के लिए बीजेपी और कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की घटाई गई सुरक्षा। आंध्र प्रदेश के गन्नवरम हवाई अड्डे पर पूर्व मुख्यमंत्री की ली गई तलाशी। नायडू को विमान तक जाने के लिए नहीं मिली वीआईपी सुविधा। आम यात्रियों के साथ शटल बस में यात्रा करनी पड़ी। इस घटना पर टीडीपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति कर रही है। टीडीपी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू भारतीय राजनीति में सम्मानित स्थान रखते हैं और उनके साथ इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इसमें 24 घंटे उनके साथ 23 सुरक्षाकर्मी और एस्कॉर्ट की गाड़ियां रहती हैं। 2003 में तिरुपति के अलीपिरी में माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद से उनको जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। सोलह जून को अपने 18 सांसदों के साथ अयोध्या जाएंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। इस दौरान रामलला का दर्शन करेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी और परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी होंगे। शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम की जानकारी दी। संजय राउत ने कहा, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपना वचन निभाने सभी सांसदों और परिवार के साथ अयोध्या आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर संजय राउत ने कहा, मोदी और योगी के नेतृत्व में ही बनेगा राम मंदिर। लोग अयोध्या में राम मंदिर देखना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में पांचवें दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने राज्य सचिवालय में बैठक का ममता बनर्जी का आमंत्रण ठुकराया। डॉक्टर्स ने कहा है कि मुख्यमंत्री को पहले माफी मांगनी होगी। विरोध दर्ज कराते हुए अब तक 973 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। पश्चिम बंगाल के हड़ताली डॉक्टर्स को मिला देश भर के डॉक्टरों का साथ। दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के आंदोलनकारी डॉक्टर्स की मांगों को पूरा करने के लिए 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। ऐसा ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की कही बात। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों की मांग 48 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जाती तो उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिल्ली के 14 बड़े अस्पतालों समेत 18 अस्पतालों ने हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती से मैदान में उतारने की तैयारी शुरू। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने इन तैयारियों को रफ्तार देने के लिए दिल्ली में हर सप्ताह यूपी के पार्टी कार्यकर्ताओं से 2 दिन मिलने का फैसला किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका दिल्ली में हर मंगलवार और गुरुवार को 10 बजे से 1 बजे तक पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से मिलेंगी। इसके साथ ही प्रियंका जमीनी कार्यकर्ताओं से संपर्क के लिए यूपी भी जाएंगे। उनके कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यूपी में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। सिंधिया ने लखनऊ में राजबब्बर के साथ बैठक कर चुनाव में हार की समीक्षा की और आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया।
बीजेपी की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद अयोध्या में फिर जोरों पर राम मंदिर निर्माण की मांग। राम मंदिर निर्माण को लेकर शुरू हुई संत समाज की बैठक, संत सम्मेलन राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के मौके पर हो रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कुमार स्वामी ने भी पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक से की मुलाकात। राज्यपाल को प्रदेश में लगातार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर दिया ज्ञापन। कहा, SP नेता आजम खान के साथ लगातार गलत कार्रवाई की जा रही है, इस सरकार में एक भी नहीं है यादव अधिकारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दिल्ली मेट्रो के पूर्व प्रमुख श्रीधरन की चिट्ठी पर बयान। कहा, महिलाओं को किराए में रियायत देने के हमारे फैसले से दिल्ली मेट्रो को भी लाभ मिलेगा, मेट्रो में सफर करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और किराया कम हो जाएगा। दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए किराया दे रही है तो दिल्ली मेट्रो को खुश होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने संगठन विस्तार की तैयारियां की शुरू। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी हाईकमान ने सदस्यता अभियान के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी। शिवराज ने देश में सदस्यता अभियान का रोडमैप तैयार किया। पूर्व CM ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कहा, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर 6 जुलाई से सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। 20 अगस्त तक चलेगा सदस्यता अभियान। पार्टी में नई जिम्मेदारी देने के लिए शिवराज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आभार जताया। शिवराज चौहान ने कहा, पीएम मोदी की लोकप्रियता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जो अनुमान था वो सही साबित हुआ। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन अमित शाह का मानना है कि बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़ना जारी। दिमागी बुखार की वजह से मृतकों की संख्या बढ़कर 69 हुई। 55 की मौत श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में हुई, जबकि 11 की मौत केजरीवाल अस्पताल में हुई। पंद्रह साल तक की उम्र के बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। मरने वाले बच्चों की उम्र 1 से 7 साल के बीच है। इस बीमारी का शिकार आमतौर पर गरीब परिवार के बच्चे हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी का मुख्य लक्षण तेज बुखार, उल्टी दस्त, बेहोशी और शरीर के अंगों में रहकर कंपन होना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में CRPF कॉम्प्लेक्स में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। कोंटा में CRPF कैंपस में 100 फीट ऊंचा ये तिरंगा लहरा रहा है। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में CRPF कैंपस में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। गुजरात के वडोदरा में सेप्टिक टैंक में उतरे 7 सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से हुई मौत। मरने वालों में दर्शन होटल के 3 कर्मी भी थे। होटल मालिक हसन अब्बास घटना के बाद हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर आए। CM ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की समीक्षा की। इस दौरान CM योगी ने कहा कि अधिकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के समावेशी विकास की योजना तैयार करें, साथ ही इसमें गांव के विकास को भी शामिल किया जाए। CM ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए स्थानीय नौजवानों को इससे जोड़ना चाहिए, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। CM ने इस दौरान ग्रेटर नोएडा और को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने की योजना के लिए अफसरों को योजना बनाने के निर्देश दिए। पंजाब में कांग्रेस नेता के भाई ने सरेआम एक महिला की पिटाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस पार्षद राकेश चौधरी के भाई और उनके सहयोगी के जरिए पैसे उधार देने पर की महिला की पिटाई।
महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साई बाबा के मंदिर के दान पात्र में जमा सिक्कों को लेने से बैंकों ने किया इनकार। बैंक में सिक्के रखने की जगह न होने का हवाला देते हुए बैंक्स ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के सिक्के जमा करने से किया इनकार। श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के सीईओ ने दी जानकारी। साई बाबा संस्थान ट्रस्ट ने बैंकों के अलावा आरबीआई से भी समस्या का समाधान सुझाने की अपील की। ट्रस्ट के सीईओ ने कहा, कुछ महीनों से बैंक हमें बता रहे हैं कि उनके यहाँ सिक्के रखने की जगह नहीं है। ऐसे में हमने इन बैंक्स के अलावा रिजर्व बैंक को भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा है। चक्रवात वायु के गुजरात के कच्छ तट पर दस्तक देने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जानकारी दी है, 17 से 18 जून को कच्छ में दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान वायु। गुजरात सरकार ने चक्रवात को लेकर जारी किए चेतावनी।